हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का जेनिक जी स्टडी चैनल के इतिहास के पन्नों में आज के तारीख एपिसोड में। गाइस, आज है आपका 18th ऑफ दिसंबर और आज हम जानने वाले हैं कि विश्व के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं 13वीं शताब्दी से, यानी कि 1271 से। आज ही के दिन मंगोल शासक जिसका नाम था कुबलई खान, उसने चाइना पे अपना नाम बदल करके, यानी अपना नाम युआन रख करके चाइना में शासन स्टार्ट किया और युआन राजवंश की स्थापना की थी। आज ही के दिन 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य में 1787 में न्यू जर्सी जो है अमेरिका का तीसरा राज्य बनने की घोषणा की और अमेरिका के संविधान को अपनाते हुए अमेरिका में अलाइन किया। आज ही के दिन 1839 में पहला खगोलीय तस्वीर लेने की अगर बात की जाए तो जो सेलेस्टियल मून होता है, मून का तस्वीर लिया गया था, जिनका नाम था और तस्वीर लिए थे उनका नाम था जॉन ड्रेशर। आज ही के दिन 1849 में टेलीस्कोप के द्वारा पहली तस्वीर, अगर हम बात करें टेलीस्कोप के द्वारा, तो पहली तस्वीर विलियम बॉन्ड के द्वारा लिया गया था और वो भी एक खगोल शास्त्री थे। आज ही के दिन 1902 में इटली के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो मार्कोनी ने पहली बार रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी और रेडियो की अगर हम बात करें आविष्कारक के रूप में जाना जाता है मार्कोनी को, इन्वेंटर के रूप में। आज के दिन 1958 की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहला संचार उपग्रह की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें, तो उसका लॉन्च किया था जिसका नाम है स्कोर। स्कोर के नाम से एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा। आज ही के दिन 1960 में भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1966 की अगर हम बात करें तो एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था रिचर्ड वॉकर। उन रिचर्ड वॉकर ने सैटर्न का एक उपग्रह था, सैटर्न के उपग्रह की खोज की थी जिसका नाम था एपिमीथियस। एपिमीथियस की खोज एस्ट्रोनॉमर जो कि इनका नाम है रिचर्ड वॉकर ने खोज की थी। आज ही के दिन 1971 में इतिहास में दूसरी बार डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए, डॉलर के प्राइस की अगर हम बात करें तो डॉलर में गिरावट आई थी पूरे विश्व में 1971 में। आज के दिन 1996 में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच पहला आधिकारिक मैच खेला गया था क्रिकेट का और ये विश्व के इतिहास की घटना में शामिल की गई थी इसको। आज ही के दिन 2006 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो पहली बार आम चुनाव की बात हुई थी, पहली बार संयुक्त राज्य अमीरात में अगर हम बात करें, यूएई की बात करें तो यूएसए तो पहले से आपका आजाद था, यूएई की बात कर रहे हैं हम, संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहे हैं, पहली बार 2006 में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। आज के दिन 2010 में ट्यूनिशिया में क्रांति की अगर हम बात करें, रिवॉल्यूशनरी एक्शंस लिए गए थे वहां के पब्लिक के द्वारा आज़ादी को लेकर के। आज के दिन 2012 में रानी विक्टोरिया से अगर हम बात करें तो रानी विक्टोरिया से लेकर अभी तक जितने भी साम्राज्य हुई थी, किसी ने भी, जितनी भी महारानी हुई थी ब्रिटेन की, किसी ने भी पार्लियामेंट यानी संसद में भागीदारी नहीं लिया था, लेकिन 2012 में पहली बार कैबिनेट की बैठक में एलिजाबेथ शामिल हुई थी और वो ऐसा करने वाली विक्टोरिया के बाद पहली ऐसी महारानी बन गई। गाइस, ये थी विश्व की घटनाएं। अब हम बात करते हैं कि आज कौन कौन सा डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में आज मनाया जाता है और आज ही के दिन पूरे विश्व में अरेबिक लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आपसे दो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि भारत में नेशनल म्यूजियम कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, और दूसरी चीज़ आप हमें ये बताएंगे कि डॉलर का पहली बार, अभी जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1971 में दूसरी बार इतिहास में गिरावट आई, तो पहली बार गिरावट कब आई थी, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।